पाठ्य पुस्तक में बिहारी के दोहों का अध्ययन चल रहा था, जिसके मैंने 3 भाग आयोजित कर दिए हैं। अब जहाँ तक ये समाप्त हुए थे, उसके आगे के दोहों को आज हम अध्ययन करेंगे। बिहारी के दोहों से संबंधित 26वां जो दोहा है, वहाँ से अब आज हम शुरू करेंगे। करो कुबत जग कुटिलता, तजो न दीन दयाल, दुखी होंगे सरल यब बसत त्रिभंगी लाल। पहले आप इस दोहे के थोड़े शब्दों के अर्थ को समझ लें, उसके बाद इसका अध्ययन करेंगे। कुबत जो है वह कुबात से संबंधित इसका विवेचन है। कुटिलता आप सब जानते हैं, जिसमें बुराई होती है या जो टेढ़ापन है, वक्रता होती है, उसको कहते हैं। और त्रिभंगी लाल, त्रिभंगी जो है वह 3 जगह से कोई चीज़ टेढ़ी होती है, उसे त्रिभंगी कहा जाता है। तो इस दोहे में बिहारी के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित किया गया है कि सामान्य अर्थ यदि मैं कहूँ आपको कि एक पंक्ति में, तो वह यह है कि आप अपनी है ना इस टेढ़ेपन की त्रिभंगी, जो टेढ़ापन है उसकी कुटिलता को छोड़ो, यानी उस त्रिभंगीपन को छोड़ो, ताकि मैं आसानी से आपके हृदय में प्रवेश कर सकूं। सामान्य, बहुत सामान्य अर्थ। अब थोड़ा सा अलग हट करके हम इस पूरे दोहे का विस्तृत अर्थ देखें, तो वह यह है कि कवि बिहारी अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं संसार की समस्त बुराइयों को तो करता रहूँगा, हे दीनदयाल, करो कुबत जग कुटिलता, तजो न दीन दयाल। करो कुबत जग कुटिलता, मैं जितनी भी कुटिलता है संसार में, जितनी बुराइयां हैं, वो सब की सब बुराइयां, जो कुबातें हैं, बुराइयां, वो सब मैं तो करता रहूँगा। तजो न दीन दयाल, लेकिन आप मुझे कभी भी त्यागना नहीं ना, मैं तो उनको कभी नहीं त्यागूंगा, नीचताओं को, बुराइयों को, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत करना। आप अपने हृदय को सरल ही रखना और सीधा रखना, और मन की ऐसी स्थिति हो जाने पर है ना, आपके शरीर को है ना उसमें प्रवेश करने में मुझे किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। दुखी होंगे सरल या बसत त्रिभंगी लाल, हे आपके इस टेढ़े मेढ़े शरीर को प्रवेश करने में मुझे किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसलिए आप अपने हृदय को सरल ही रखना। आप सभी परिचित हैं कि श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो उनका जो पूरा शारीरिक लावण्य है वह जैसे इस संक्षेप टेढ़ा हो जाता है, इसलिए उनको त्रिभंगी यहाँ पर कवि बिहारी ने कहा है। कवि की जो वाक चातुरता है ना, वह देखते ही बनती है इस पद में। भगवान कृष्ण क्योंकि जब मुरली बजाते हैं तो उनका शरीर 3 भागों से मुड़ जाता है, और बिहारी को अपने इष्ट देव श्री आराध्य कृष्ण का यही रूप उनको पसंद है अंतर्मन से। तो क्योंकि वैसे तो त्रिभंगी अर्थात टेढ़ी मेढ़ी वस्तु का प्रवेश कुटिल वस्तु में ही संभव है, अतः किसी सीधी वस्तु में किसी टेढ़ी वस्तु के जाने से टेढ़ी वस्तु को जानने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए कवि यहाँ पर कह रहा है कि मैं मेरे अंदर जो टेढ़ापन है, जो बुराइयाँ हैं, जो है ना, वो आप अपने इस त्रिभंगी स्वरूप को कभी त्यागना नहीं, क्योंकि मेरी जो बुराइयां हैं वह आपके इस त्रिभंगी अर्थात इस टेढ़े मेढ़े जो आपका व्यक्ति शरीर है ना, उसमें वह तभी संभव होगी जब आप अपने इसी व्यक्तित्व को बनाए रखेंगे। कब को टेरत दीन रट, होत न श्याम सहाई, तुम्हें लागी जगत गुरु, जग नायक जग बाय। इस में पहले अर्थ को, शब्दों के अर्थ को आप इसको समझ लें। जग बाय है ना, वो कहते हैं संसार की हवा। हम सामान्य शब्दों में कहते हैं ना किसी व्यक्ति को कि तुम्हें तो हवा लग गई है, जग बाय उसी से संबोधित है। अपने इष्टदेव श्री कृष्ण को समुचित कृपा न करने पर एक प्रकार से कवि बिहारी यहाँ पर उनको उलाहना दे रहे हैं। कब को टेरत दीन रट, होत न श्याम साई, मैं कब से तुम्हारी दीनता पूर्वक बहुत लंबे समय से तुम्हारी रट लगा रहा हूँ, अर्थात सहायता करने के लिए, मुझ पर कृपा बरसाने के लिए मैं कब से तुम्हारा पुकार रहा हूँ, कब से तुम्हारा ध्यान लगा रहा हूँ, होत न श्याम सहाय, लेकिन आप ऐसे हैं कि बिल्कुल मेरे सहायक नहीं हो रहे हो, मेरी सहायता नहीं कर रहे हो,
हे जगतगुरु, संसार के नायक स्वामी, तुमको ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें लागे जगतगुरु। हे संसार के स्वामी नायक जगतगुरु, ऐसा लग रहा है कि जगबाई जगनायक जगबाई, हे जगनायक स्वामी, तुम्हें संसार की हवा लग गई है। तुम भी आजकल ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे इस प्रकार के गुरु, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें भी संसार की हवा लग रही हो, हवा लग गई हो। हवा लगने का आशय क्या है कि आपके अंदर भी जो है ना, ऐसा जो जो आपका व्यक्तित्व है कि दूसरों को तारना, उधार करना, सहायता करना, उन पर कृपा बरसाई रखना, आपने लग रहा है कि वो संसार की हवा आपको भी लग गई है, आप संसार के लोगों से प्रभावित हो गए हो, इस कारण से आप अपने आचरण के विपरीत आचरण कर रहे हो और इस कारण से मेरे पर आप कृपा नहीं बरसा रहे हो। तो यहाँ पर कवि का जो उक्ति चमत्कार है ना, यानी जो कथन में, जो भी दोहे में जो कथन कहा गया है, उसमें चमत्कार की भावना देखिए आप कितनी सबल बन पड़ी है। अगर हम दूसरी पंक्ति में देखें तो कवि ने यहाँ पर कहा है कि अच्छी तरह आप इस चीज़ को थोड़ा सा देखें कि तुम ही लागे जगत गुरु जगनायक जगबाई। ये गुरु है ना, आजकल के जो गुरु होते हैं ना, उनको क्या लग रही है, संसार की हवा लग रही है। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने शिष्यों का सही ढंग से कल्याण नहीं कर रहे हैं। तो उन संसार के जो गुरु हैं, उन गुरुजनों पर जो व्यंग्य है, वह भी कृष्ण के माध्यम से यहाँ पर बिहारी के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि जगबाई एक सुंदर सार्थक लोकोक्ति है। अलंकारों को यदि हम देखें तो इस दोहे में अनुप्रास श्याम साहिब में श वर्ण की जो आवृत्ति है तो अनुप्रास हुआ, और जग शब्द आप देखिए कि यहाँ पर कितनी बार आया है, जग जगत गुरु और जगनायक, तो जग दो बार आया है यहाँ पर अलग अलग रूपों में, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश हुआ है। संपूर्ण दोहे में यदि हम देखें तो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग तो पूरी तरीके से सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा लगता है मानो तुम्हें भी संसार की हवा लग रही है, ऐसा लगता है मानो तुम्हें भी आज के गुरुओं की हवा लग गई है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा का संपूर्ण वर्णन देखा जा सकता है। लेकिन मूल जो बात है वह यह कि बिहारी इस दोहे के माध्यम से कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित कर रहे हैं। थोड़े ही गुण रींचते बिसराई यह बानी, तुम्हें कानू मनोभय आज काली के दानी। इस दोहे में थोड़े शब्द है वह आप सभी परिचित हैं, उसका अर्थ क्या होगा, थोड़े, और गुण गुण में है, दानी दानी के रूप में। बिहारी ने एक इस दोहे में जो एक दास की जो भक्ति भावना होती है उसका परिचय दिया है, और वह दास क्या है कि ऐसा लगता है जैसे वह अपने इष्ट देव है ना, जो भी भगवान है, उसके ना मुँह लग गया हो, उसके बिल्कुल ऐसा लग रहा हो जैसे दोस्त की तरह, जैसे मुँह लगे है ना व्यक्ति की तरह बात करता हो। कवि बिहारी यहाँ पर कह रहे हैं कि हे प्रभु, पहले आप अपने भक्तों के द्वारा की गई थोड़ी सी भक्ति पर ही प्रसन्न हो जाते थे, थोड़े ही गुण रीझते, आप थोड़े से गुणों पर ही, आप जो भी आपकी थोड़ी सी भक्ति करता था तो उस थोड़ी सी भक्ति पर भी आप अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते थे। बिसराई वह वाणी, ऐसा लगता है कि आपने अपनी इस वाणी को बिसरा दिया है, भूल गए हो आप है ना, क्योंकि पहले आप तो कम गुणों पर ही रींच जाते थे, उसका उद्धार कर देते थे, लग रहा है आपने अपनी उस मर्यादा को छोड़ दिया है। अब आप ऐसा लग रहा है जैसे मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार, तुम्हें कानू मनो भय आज काली के दानी, ऐसा लग रहा है आप भी आजकल के दानी की तरह बन गए हो। यानी जो आजकल के जो दानदाता है वो क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं कि दान कुछ नहीं करते हैं, जो दान किया हुआ था उसी से केवल अपनी प्रशंसा प्राप्त करवाते रहते हैं है ना, और अत्यधिक प्रशंसा करवाने पर भी वो फिर भी बहुत कम दान करते हैं। तो लग रहा है आपका स्वभाव भी ऐसा लग रहा है कि आसानी से आप भी एक जो आजकल के दानियों की तरफ प्रसन्न नहीं हो रहे हो, क्योंकि जो
बहुत कम गुणों पर रींझने वाले होते हैं, वह आप अपने भक्तों पर बिल्कुल भी आपने कृपा करनी बंद कर दी। तो इस पद में दानियों पर बिहारी के द्वारा जबरदस्त व्यंग्य किया गया है ना। वो क्या करते हैं कि केवल ना जबानी जो जमा खर्च होता है ना उसको दिखा करके दानदाता जो होता है वो दिखावा करता है, ढोंग करता है, और भक्त कभी ना क्या बिहारी अपने आराध्य श्री कृष्ण को इसके दानियों जो आजकल के दानी दानदाता उसके माध्यम से उन्हें एक प्रकार से उलाना और व्यंग्यात्मक उक्ति कह रहे हैं। अनुप्रास का तो प्रयोग आप इसमें देख ही रही हैं, इसके साथ साथ में आक्षेप भी वो लगा रहे हैं यहाँ पर कृष्ण पर। तो आक्षेप भी अलंकार शास्त्र में एक अलंकार के रूप में हमारे सामने है, तो उसका वर्णन भी हम यहाँ पर कर सकते हैं कि आक्षेप अलंकार है। स्वार्थ सुकृत श्रम वृथा दे की विहंग विचारी, बाज पराये पानी परी तू पंछिन न मारी। सुक्रतु कहते हैं सदकर्मों को, और पानी कहते हैं परी को, जो पानी परी जो हाथ में आकर के। इस दोहे के पीछे एक कोई घटना बताते हैं, तथ्यात्मक रूप से यह सही है या नहीं वह तो इतिहास की बात है, लेकिन जो घटना सामान्य रूप से चर्चित है इस उस दोहे के माध्यम से वह यह कि ऐतिहासिक घटना यह है कि मुगल सम्राट जो शाहजहाँ के प्रति है ना, जयपुर के नरेश सवाई जय सिंह की बहुत अधिक निष्ठा थी, और वे हमेशा ही मुगल साम्राज्य के पक्ष में अपने ही जो भाई होते थे राजपूत राजा उनके विरुद्ध में वो युद्ध करते थे, और उस युद्ध यात्राओं को वह संचालन तक करते थे, यानी वह सेनापति बनते थे। सवाई जय सिंह जैसे जो भी साझा आक्रमण करता था तो वहाँ पर जय सिंह को वो उसका सेनापति और नेतृत्व तक बनाए करते थे। तो एक बार मुगल सम्राट के जो आदेश पर है ना छत्रपति शिवाजी को के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व करने, उनको बंदी बनाने और पूरी तरीके से उनको ध्वस्त करने के लिए शाहजहाँ ने जय सिंह को सेनापति बनाया और उसका नेतृत्व दिया। तो यहाँ पर बिहारी ने बात तो एक अन्य रूप में कही है, लेकिन कहना जो वह चाहता है अन्योक्ति के रूप में वह यह कि जो राजा है सवाई जय सिंह उसको वह संबोधन कर रहा है। तो हम पहले इसका क्या करेंगे कि यहाँ पर अर्थ है, जो सामान्य एक अर्थ है वह इस पर हम उसका विचार करेंगे, उसके पश्चात में हम इसका दूसरा अर्थ देखेंगे। वह कह रहे हैं कि हे बाज बक्षी, तुम विचार करके अच्छी तरह से देख ले कि बाज पराये पानी स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा दे कि विहंग विचारे। विहंग कहते हैं यहाँ, वैसे विहंग सब पक्षी का है, लेकिन यहाँ पर वो बाज के रूप में उसका संबोधन है कि हे बाज नामक पक्षी तू क्या कर रहा है, तू दूसरों का शिकार करके तू शिकारी की ही एक प्रकार से मदद कर रहा है, इससे तेरे को कोई पुण्य नहीं प्राप्त होगा। हे विहंग, तू विचार करके अच्छी तरह देख ले हे बाज नामक पक्षी कि तू जिस शिकार को कर रहा है उस शिकार को कार्य करने से तेरा अपना कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। वह जो कृत्य है वह तो तेरा व्यर्थ है करते हुए जो तू तेरे अपने लिए कर रहा है, बल्कि वास्तव में वह तेरे अपने लिए नहीं है, तुम्हारे द्वारा जो किया गया कार्य है और जो तुम श्रम कर रहे हो वह तो व्यर्थ जाएगा, क्योंकि तू शिकारी को हाथों में पड़ करके अपनी ही जाति के पक्षियों को मार रहा है और शिकारी की मदद कर रहा है। तो यहाँ पर जय सिंह को वो ये दूसरे अनियुक्ति के रूप में यदि हम देखें तो वह जय सिंह को संबोधन कर रहे हैं कि आप मित्रता एवं निष्ठा की जो आप शाहजहाँ के प्रति रख रहे हैं उसको आप पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, आप अपने कर्तव्यों पर अच्छी तरह विचार कर लीजिए। आपने जो शाहजहाँ के कहने पर जय सिंह को संबोधन है कि हे महाराजा जय सिंह, आपने शाहजहाँ के कहने पर शिवाजी को बंदी बनाने, उन पर आक्रमण करने
कि जो आपने नीति अपनाई है उससे आपका अपना कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, आपके द्वारा जो किया गया यह स्वार्थ सिद्धि का संबंधित कार्य है, इससे आपका अपना कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, आपको कोई यश नहीं मिलेगा, आपका यह सारा श्रम व्यर्थ जाएगा। न श्रमो वृथा, आपके द्वारा किया गया जो श्रम है वह व्यर्थ जाएगा। शिवाजी को जीतने का सारा जो लाभ है, यानी एक प्रकार से शिवाजी को तुम चाहे बंदी बनाओ, उनको हराओ, तो वो सारा जो यश है वह तो शाहजहाँ को मिलेगा। इसलिए आप जो कार्य कर रहे हैं अपने ही भाइयों को बंदी बनाने या उनका मारने का, इससे आपका किसी प्रकार का कोई हित नहीं होगा। यह वैसे ही है जैसे बाज नामक पक्षी दूसरे पक्षियों को मार करके शिकारी की ही एक प्रकार से मदद करता है। इसलिए आप पराये राज्य के प्रसार के लिए क्यों अपने हिंदू राजाओं पर आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि आप तो अप्रत्यक्ष रूप से मुगल साम्राज्य की ही विस्तारवादी भावना का पोषण कर रहे हैं। तो आकाश में विचरण करने से जो बाज नामक पक्षी है ना, वह बहुत बाज जो पक्षी होता है ना, उसकी क्या विशेषता होती है, वो इतना दूरदृष्टा होता है, इतना स्वतंत्र होता है, इतना तेज गति से उसकी देखने की क्षमता होती है कि जैसे ही कोई दूसरा पक्षी उड़ा उसको झपट लेता है और खाकर नीचे उसको पटक देता है ना। तो वह किसके काम आता है, जो शिकारी की मदद कर रहा है उसका मदद करता है। वैसी स्थिति सवाई जयसिंह की है कि वो भी है ना एक प्रकार से अन्य हिंदू राजाओं पर आक्रमण करके शाहजहाँ की ही मदद कर रही हैं। तो आप अपने इस आपके द्वारा जो किया गया कार्य है, इससे आपकी कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं होगी। करी फुलेल को आंच मन मीठो कैद सराई, इरे गंदी मत मन तो इतर दिखावत काई। पद बड़ा सरल है, ये आप स्वयं इसके कोशिश करें कि इसमें क्या कहना चाहता है कवि, अर्थ को समझने का प्रयास करें, फिर मैं आपको एक लाइन में इसकी बात समझाने की कोशिश करूंगा। आप देखें इस दोहे के अंतर्गत जो एक संदेश के रूप में जो बातें हैं, केवल उसे ही आप समझ लें तो आपके लिए पर्याप्त होगा। यहाँ पर एक गंधी को है ना अपने आचरण की शुद्धता पर बिहारी ने जोर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा जो आचरण किया जा रहा है ना, वह आचरण किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तू दिखा कुछ और रहा है और चखा कुछ और रहा है ना। तो यह तुम्हारा जो मूर्खतापूर्ण आचरण है ना, इसको सुधारो, तभी तुम है ना सफल होंगे। जिन दिन देखें वे कुसुम गई सो बीती बाहर, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। इस पद के अंतर्गत कवि बिहारी ने जो संबोधन आपके सामने प्रस्तुत किया है, वह कि जो यह दुआ एक प्रकार से जो परिवर्तनशील जो मौसम होता है उससे संबंधित है। कुसुम पुष्प को कहा जाता है बाहर बसंत को, और अपत्र यानी पत्रहीन को कहा जाता है। जिन दिन देखें वे कुसुम गई सो बीती बार, यानी कुसुम ने पुष्पों ने जो पहले समय देखा, कभी समय समय पर आने वाले जो परिवर्तन होता उसको लक्ष्य करते हुए कह रहा है, और कह किसके माध्यम से रहा है, वह एक भौरे के माध्यम से कह रहा है कि अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डाल। हे भौरे, अब तू जिस समय में जो बसंत ऋतु थी, जो मौसम बहुत सुहावना और खुशनुमा था, उसके उस समय में तो तुम्हें गुलाब के पौधे पर तुम्हें सुंदर पुष्प मिलते थे, पर अब क्या हुआ है, मौसम बदल गया है, अब उसमें परिवर्तन हो गया है, वसंत और बीत चुका है, खुशनुमा सुहावना मौसम अब जा चुका है। तो हे अली, हे भौरे, अब तुम्हें गुलाब के पौधों पर तुम्हें अब गुलाब नहीं मिलेगा, गुलाब के सुंदर पुष्प है ना जो बहुत मधुर लगते हैं, उनकी सुगंध भी वह तुम्हें अब नहीं मिलेगी, अब तो तुम्हें पौधों पर केवल पत्रहीन टहनियाँ मात्र मिलेगी, अपत कटीली डार, जो पत्रहीन टहनियाँ हैं वह मिलेगी। तो यहाँ पर कवि बिहारी ने
मोहरे के माध्यम से परिवर्तनशील मौसम और उसके समय की अवधारणा को हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि अली का प्रयोग जो कई रूपों में हमारे सामने उपस्थित हुआ था, अब यहाँ पर भी वो इस रूप में उपस्थित हुआ है कि वह मौसम के रूप में मोहरे के माध्यम से मौसम के रूप में हमें वह चीज तथ्य को समझा रहे हैं कि परिवर्तनशील चीज़ को हमेशा लक्ष्य करके आचरण करना चाहिए हमें। अब भौंरा फिर भी उस गुलाब के पौधे पर जा रहा है, जबकि अब तो वहाँ पर गुलाब का पुष्प है ही नहीं, वहाँ तो पत्र एंटेनिया है। तो मनुष्य को जो आचरण है वह हमेशा परिवर्तनशील समय को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, क्योंकि अब इस पौधे पर गुलाब भौंरे के जाने का क्या प्रयोजन है, कोई प्रयोजन नहीं है। उसी तरह मनुष्य को भी अपने आचरण में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अपना आचरण और अपना कर्तव्य निर्वहन करना चाहिए।